प्रसिद्ध समाजसेवी परमजीत सचदेवा ने अपने समर्थकों सहित दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शिमला पहाड़ी चौक होशियारपुर में रोष प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से किसानों का संघर्ष चल रहा है, पहले पंजाब में और अब दिल्ली की सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक अपनी जिद पर अड़ी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह जल्द से जल्द कृषि कानून रद्द करे, नहीं तो किसानों की तरफ से संघर्ष और तेज किया जाएगा। जय किसान जिंदाबाद। जरा असी प्रदर्शन रखिया ये दिल्ली जेड़े किसान अपने हकों लिए उत्थे लड़ाई लड़ रहे हैं, अज असी उन्होंने हक में इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, जिदे च हर वर्ग का व्यापारी वर्ग स्टूडेंट बच्चे सारे ही शामिल होए आ, और अपनी सारी जिहड़ी आ सोलीडैरिटी है असी किसानां दे नाल आ, और असी यह सब महसूस कर रहे हैं कि सरकार जिहड़ी आ शरेआम जिहड़ी आ किसानां नाल धक्का कर रही है। सरकार अपने लोग कही जा रही है मैं किसानां दा भला करना, तो किसान कहिंदे साडा यह डैथ वारंट आ, इहदा मतलब किते ना किते कोई गड़बड़ तां हैगी आ। तो असी सरकार नूं यह अपील करते हैं भी ये जिहड़े कानून आ ये जिस तरीके ना बनाए गए आ ये सरासर ही गलत आ। पहला तो जिहड़ा एग्रीकल्चर जिहड़ा मुद्दा आ वह सारा का सारा स्टेट का सबजैक्ट आ, वो कानून गलत बनाए आ। फिर जे आप देखिए कानूनों के विचों जिहड़ियां धारावां दी जे एक एक दी गल करिए ना, तो सारा ही जिहड़ा कानून है वह कच्चे चिट्ठे वांगू सामने बाहर आ जांदा है। मैं एक एग्जाम्पल लैंदा, इस एक कानून हैगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब भी कारपोरेट घराने का तो जिमीदार का आपस से एक कॉन्ट्रैक्ट होएगा, लेकिन जिते कॉन्ट्रैक्ट होएगा उत्थे डिस्प्यूट भी होएगा कल नूं, लेकिन वो डिस्प्यूट की रिड्रैसल का जिहड़ा इस कानून दे विच दित्ता गया उहदा सीधा तो सीधा किसान नूं नुकसान है, क्योंकि उहदे विच उहनूं अदालत विच जा नहीं सकता, वकीलों की उहदे कोल नहीं कोई अप्रोच हैगी है, एस डी एम के दफ्तर तो उहनूं अंदर वड़न नहीं देना किसी ने, तो दूजे पासे कौन आ, दूजे पासे कॉरपोरेट घराने जिन्हों को वकीलों की फौज आ, काम उन्हों का डीसी ने भी फोन के उत्ते कर देना, तो एक पासे नंगे धड़ जिहड़ा किसान आ। ये जिहड़ा कानून इस तरीके ने बनाया सिर्फ तो सिर्फ कॉरपोरेट घराणियां नूं बेनीफिट देने का बनाया। जे सरकार वाकई चाहती है मैं किसानों का भला करना, तो इमीडिएटली जिहड़े कानून आ इन्हां नूं रद्द किया जाए, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जिहदे विच सरकार दे नुमाइंदे भी होण, कॉरपोरेट घराणियां दे नुमाइंदे भी होण, विच किसानां दे नुमाइंदे भी होण, सारे धरां दी जिहड़ी है वह जिहड़े आ सुझाव लै के कानून बनाए जाण। कानूनां दी देश विच लोड़ हैगी आ, उहदा पिछे कारण की है, अज असीं रोज़ देखदे हां कोई ऐसा दिन नहीं निकलदा जिदन किसानां ने खुदकुशियां ना कीतियां होण। इहदा मतलब की है क्लीयर कर भी साडे जिहड़े कानून आ जिहड़ा किसानी 'च प्रॉब्लम तां हैगी है, जे प्रॉब्लम हैगी इहनूं ठीक करन लई एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, और जिहड़ा भी कानून बनाओ उन्हों पहला एक या दो सूबे उन्होंने लागू किया जाए, जे उत्थे एक्सपेरिमेंट कामयाब हुंदा फिर सारे देश से लागू किया जाए, ना कि सारे देश के किसानों तुसी ए मतलब तुसी सूली दे टंग दिता है। ये टोटली जिहड़ी आ डिक्टेटरशिप आ, डेमोक्रेसी दे विच लोकां दी सरकार लोकां दी सुननी पैनी है, जे सरकार लोकां दी नहीं सुनती तो उस सरकार नूं लोकां ने उखाड़ के फेंकना। अज दा असी संकेतक आ, असी संकेतक आ इत्थे ही, सिर्फ असी अपने इत्थे लोकल रह के असी किसानां दे हक च जिहड़े दिल्ली बैठे आ भुखे पाणे बैठे 3.5 महीने 4 महीने दिल्ली बैठे नूं हो गया, पहला इत्थे पंजाब च वी थां दा धरने लाए उन्होंने, असी उन्हां दे हक दे विच इत्थे खड़े आ। ये अगे भी जारी रहेगा, अगे भी जारी रहेगा, साडी जिहड़ी सोलीडैरिटी आ किसानां दे नाल आ, और असी समझदे वी किसानां दे नाल धक्का हो रहा, और सरकार नूं चाहीदा उन्हां दी गल सुननी चाहीदी आ, उन्हां नूं बिठा के गल करनी चाहीदी आ। मोदी जी एक पासे कहिंदे वी मैं एक फोन कॉल वे आ, वी तुहाडी आउटगोइंग बंद तां नहीं कीती किसे ने, तुसीं वी एक फोन करके अपने लोकां नूं बुला के उन्हां नाल गलबात करो।
द स्टैलियन न्यूज़ के लिए संवाददाता गुरजीत सोनू के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।